उठो, जागो, पढ़ो और तब तक मत रुको जब तक कि लक्ष्य ना प्राप्त हो जाए। स्वामी विवेकानंद के इन्हीं विचारों के साथ मैं प्रिया आप सभी का वेलकम करती हूँ हमारी आज की करंट अफेयर की क्लास में। तो शुरू करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं हमारे प्रीवियस डे के क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन था विच द फॉलोइंग इज करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम। आपातकालीन इमरजेंसी लाइन गारंटी योजना के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन द स्कीम इज एप्लीकेबल टू MSMEs एंड मुद्रा बोरोअर्स ओनली। टेनोर ऑफ द लोन अंडर द स्कीम इज 4 years विद अ मोरेटोरियम पीरियड ऑफ 1 year ऑन द प्रिंसिपल अमाउंट। बोथ ए एंड बी, नाइदर ए नॉर बी। तो इसका सही ऑप्शन है बोथ ए एंड बी। तो दोनों जो फर्स्ट और ए और बी ऑप्शन है दोनों ही करेक्ट हैं। तो इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत नेशनल क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी जो है 100% गारंटी करती है कवरेज करने को एडिशनल फंडिंग ऑफ अप टू रिस 3 लाख करोड़ एलिजिबल एमईज और इंटरेस्टेड मुद्रा बोरोवर्स को गारंटीड इमरजेंसी क्रेडिट लाइन फैसिलिटी के तौर पर। और जो इनका टेन्योर है लोन का वो स्कीम का जो स्कीम का टेन्योर लोन है वो है 4 year और 1 साल के मोरेटोरियम पीरियड के साथ। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वेयर द तीस्ता रिवर ओरिजिनेट्स। तीस्ता नदी कहाँ से निकलती है? ऑप्शन है कंचनजंगा, कामेंग, पाहुनरी, गोमताल। तो इसका सही ऑप्शन है पाहुनरी। जो तीस्ता रिवर है वो ओरिजिनेट करती है पाहुनरी यानी कि तीस्ता कैंग से, ग्लेशियर से, और ये फ्लो करती है इंडियन स्टेट्स सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल में और उसके बाद बांग्लादेश होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में इंटर कर जाती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडिया इज नॉट पार्टी टू विच ऑफ द फॉलोइंग कन्वेंशन। भारत निम्नलिखित में से किस सम्मेलन के लिए पार्टी नहीं है? ऑप्शन है बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, केमिकल वेपन कन्वेंशन, कन्वेंशन ऑन क्लस्टर मुनिशंस, नन ऑफ द अबव। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। 2008 में कन्वेंशन ऑन क्लस्टर मुनिशंस CCM जो है वो अडॉप्ट किया गया था 107 कंट्रीज़ के डिप्लोमेटिक कॉन्फ्रेंस जो डब्लिन में हुई थी आयरलैंड के उसमें, और जबकि इंडिया जो है उसने इस कन्वेंशन में पार्टी नहीं किया था, मतलब इस कन्वेंशन को जो है साइन नहीं किया था। इंडिया और पाकिस्तान दोनों जो है वो नॉन सिग्नेटरी कन्वेंशन ऑन क्लस्टर मुनिशंस के हैं। और इसमें क्या है, इसमें ये है कि ये बैन करता है यूज़, प्रोडक्शन, स्टॉक पिलिंग और ट्रांसफ़र ऑफ क्लस्टर मुनिशंस एंड प्लेस ऑब्लिगेशन ऑन कंट्रीज टू क्लियर अफेक्टेड एरियाज, असिस्ट विक्टिम एंड डिस्ट्रॉय स्टॉक पिल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बीमा नियामक और विकास प्राधिकरण का मुख्यालय में भारत में कहाँ है? ऑप्शन है मुंबई, दिल्ली, लखनऊ, हैदराबाद। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी हैदराबाद। तो जो अथॉरिटी है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी है उसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद में और ये क्रिएट की गई थी मल्होत्रा कमेटी रिपोर्ट के रिकमेंडेशन पर। और जो इंश्योरेंस है वो सब्जेक्ट लिस्टेड है यूनियन लिस्ट ऑफ 7th शेड्यूल। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट एशियाटिक लॉयन। एशियाई शेरों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है इट इज लिस्टेड इन द शेड्यूल 2nd ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। इट इज गिवन स्टेटस ऑफ क्रिटिकली इंडेंजर्ड ऑन IUCN रेड लिस्ट। इट इज स्लाइटली स्मॉलर देन अफ्रीकन लॉयंस। इट इज फाउंड ओनली इन गिर नेशनल पार्क। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी। इट इज अ पैंथर लियोलियो पॉपुलेशन इन इंडिया। तो इसका बायोलॉजिकल नेम जो है वो है पैंथरा लियोलियो। और जो ये इसकी जो अभी करंट रेंज है वो रिस्ट्रिक्टेड है गिर नेशनल पार्क गुजरात
जो भारत का स्टेट है एक, और जिस इसके जो फाइव, ये जो है वो फाइव पैंथरीन कैट्स इनहिबिटिंग इंडिया है। इसे हम इंडियन लॉयन या पर्सियन लॉयन के नाम से भी जानते हैं, और ये लिस्टेड है शेड्यूल फर्स्ट ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 अपेंडिक्स फर्स्ट ऑफ CITES और IUCN रेड लिस्ट के हिसाब से ये एक इंडेंजर्ड स्पीसीज है, और ये थोड़ा सा अफ्रीकन लॉयन से छोटा होता है। और जो इसका स्ट्राइकिंग मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है वो है लॉन्गिट्यूडनल फोल्ड ऑफ स्किन रनिंग अलोंग बेली ऑफ एशियन लॉयंस। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंक्लूडेड इन इंडियाज़ फॉरेक्स रिजर्व, निम्नलिखित में से कौन भारत की विदेशी मुद्रा भंडार में शामिल है? ऑप्शन है फॉरेन करेंसी एसेट, गोल्ड रिजर्व्स, स्पेशल ड्राइंग राइट्स, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑल ऑफ द सब अबव। तो जितने भी हैं ऊपर के ऑप्शन वो सभी भारत की विदेशी मुद्रा भंडार का हिस्सा हैं, और उस इनके साथ साथ रिजर्व पोजीशन विद द इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड भी उसमें शामिल है। ये सारे जो हैं वो एसेट्स हैं, वो रिजर्व हैं सेंट्रल बैंक इन फॉरेन करेंसीज, जो कि इंक्लूड है बॉन्ड के फॉर्म में, ट्रेजरी बिल्स के फॉर्म में और दूसरे गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के फॉर्म में। और इनमें सबसे ज़्यादा जो रिवर एक्सचेंज है वो है US डॉलर। और इंडिया जो है ये इस समय न्यूज़ में क्यों है? ये इसलिए न्यूज़ में है क्योंकि जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है भारत का वो बढ़ गया है 500 बिलियन मार्क, सून ही हो जाएगा अभी, मतलब इतना नहीं पहुंचा है लेकिन ये अप्रॉक्स में है, क्योंकि मई के महीने में जो फॉरेक्स रिजर्व जम्प्ड है वो 12.4 बिलियन जम्प करके ऑल टाइम हाई, इसके अपने अब तक के सबसे हाई टाइम यानी कि 493.48 बिलियन हो गया है। बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ, जो है विच ऑफ द फॉलोइंग डिपार्टमेंट लॉन्च्ड तुरंत कस्टम फ्लैगशिप प्रोग्राम, निम्नलिखित में से किस विभाग ने तुरंत कस्टम फ्लैगशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है? ऑप्शन है फाइनेंस मिनिस्टर, सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड टैक्स एंड कस्टम डिपार्टमेंट, होम मिनिस्ट्री, नन ऑफ द अबव। तो इसमें से आपको जो भी ऑप्शन सही लग रहा हो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, और अगर आपको मेरी ये करेंट अफेयर की क्लास अच्छी लगी तो मेरे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपने अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब कर दिया है तो प्लीज़ लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, वो जो सब्सक्राइब करने के साथ साथ वो जो बेल आइकन दिख रहा है, वो जो घंटी दिख रही है, प्लीज़ उस घंटी को ज़रूर बजाएं ताकि जब भी मैं नए वीडियोज़ डालूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।